पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने फतेहगढ़ साहिब में 29 मई को एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से 40 लाख रुपए की लूट में शामिल तीन गैंगस्टरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए दो गैंगस्टरों को मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन गैंगस्टरों से पुलिस ने एक I-20 कार और पिस्टल सहित हथियार भी बरामद किए हैं। दो आरोपियों की पहचान जालंधर के जोहल गांव के मूल निवासी गुरप्रीत सिंह और तरनतारन के गांव वन तारा सिंह के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे चंडीगढ़ के नजदीक खरड़ में हुई मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इन गैंगस्टरों को घेरने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों की ओर से 25 राउंड से अधिक चली फायरिंग के दौरान दो गैंगस्टर घायल हो गए, जिन्हें बाद में मोहाली के सिविल अस्पताल ले जाया गया। मुठभेड़ स्थल से फायरिंग के दौरान चले कारतूस के खोल भी बरामद किए गए हैं।